लेकिन ये तो फिर से आ गई। भिड़े अंकल के शक ने ऐसी गुगली डाली कि हमारा प्लान क्लीन बोल्ड हो गया। एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा, हमने तो सोचा था ऐसा हुआ ही नहीं। वही तो बाबा, परसों 12 बजे जब ये नकली चेन ज्वेलरी शॉप पर चेक करवाने जाएंगे तो उन्हें सच का पता चल जाएगा। पांडे अंकल को बोलना पड़ेगा कैसे भी करके परसों 12 बजे से पहले उस कैमर को पकड़ ले। माधवी आंटी, आपके पास पांडे अंकल का नंबर है? है ना, तू एक बार रिक्वेस्ट करते है ना फोन करके। बड़ा फोन दे पर्स बदला। पाटिल, ए कहाँ घूम रहा है, गार्डन में घूम रहा है क्या? चल चल चल। सुनो, मंत्री जी की गाड़ी यहाँ से पास होने वाली है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम पर है। मंत्री जी के गाड़ी के अलावा एक परिंदा भी यहाँ से पास नहीं होना चाहिए, समझे? Come on, move, 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 quick, 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 come on. Hello. पांडे अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। वो हम लोग आए थे पुलिस स्टेशन स्कैम वाले केस के लिए। बोलो बेटा, क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि कहाँ चल दिए? मैं तो यही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं, एक था। हाँ बोलो, क्या हुआ? जल्दी बोलो बेटा, मैं यहाँ मंत्री जी की सिक्योरिटी में बिजी हूँ। पांडे अंकल, आप बंदोबस्त छोड़ के जल्दी उस कैमरे को पकड़िए ना। बेटा, पुलिस को गाइडलाइन देना बंद करो। पुलिस को पता है उसे क्या करना है। नहीं नहीं पांडे अंकल, मैं आपको गाइडलाइन नहीं दे रहा हूँ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको परसों 12 बजे से पहले उस कैमरे को पकड़ना पड़ेगा। क्यों, परसों 12 बजे तक का ही मुहूर्त है उसे पकड़ने का? अगर मैंने उसे कल पकड़ लिया तो क्या उसे हम छोड़ देंगे? नहीं नहीं पांडे अंकल, अगर आपने उसे कल पकड़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा परसों 12 बजे से पहले प्लीज उस कैमर को पकड़ लीजिए, प्लीज पांडे अंकल। बेटा, हमें टाइम लिमिट मत दो, हमें पता है हमें क्या करना है। पांडे जी, मैं माधवी बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत अर्जेंट काम है, आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन परसों 12 बजे के पहले उसे पकड़िए, प्लीज 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 पांडे जी। माधवी बहन, रोइए मत, प्लीज रोइए मत। मैंने कहा है ना, हम पर भरोसा रखिए, हम जल्द से जल्द उस कैमर को पकड़ लेंगे। पांडे अंकल, आप समझ नहीं रहे। बेटा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, एक मिडिल क्लास का 80,000 रुपया इस तरह गायब हो जाना, एक मिडिल क्लास ऑफिसर उसके दर्द को अच्छी तरह जानता है। चिंता मत करो बेटा, हम जल्द से जल्द उस कैमर को पकड़ लेंगे। ए, रुक 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 रुक, बैरिकेड लगा, दिख नहीं रहा है? हाँ, उड़ कर जाएगा। चल पीछे चल, रुकन कर गाड़ी, चल। बेटा जरा हमारी टेंशन भी समझा करो, हम जल्द से जल्द उस कैमर को पकड़ लेंगे, ठीक है? चिंता मत करो। ओके, बाय बाय बेटा, ठीक है, टेक केयर। ए, यहाँ भी एक बैरिकेड लगाओ, समझा? यहाँ से क्यों आ रहे हैं सब लोग? भगवान, पांडे जी तो बहुत बिजी है। आज का पूरा टाइम तो उनका बंदोबस्त में ही जाएगा। फिर एक दिन में हम स्कैमर को पकड़ेंगे कैसे? परसों जब इनको 12 बजे सच पता चल जाएगा तो हमारे 12 बजने फिक्स है। आंटी, आप परेशान मत होइए, परसों तक का टाइम है हमारे पास, हम लोग करते हैं कुछ। हम लोग कैसे भी करके परसों 12 बजे से पहले उस कैमर को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, उसे पकड़ेंगे और उससे पैसा वसूल करेंगे। हाँ, लेकिन ये करेंगे कैसे? तेस्तर। अरे गोगी, परसों तक का टाइम है हमारे पास, हम लोग करते हैं कुछ। नहीं, टप्पू सही कह रहा है, ट्राई करना तो बनता है। आई, मुझे भी लगता है यही ठीक रहेगा। बाबा से परसों तक ये बात छुपानी पड़ेगी। पर बाड़ा आई, बाबा के लिए
उनकी सेहत के लिए हमें परसों तक का चांस लेना ही होगा। कैसे भी करके बाबा से परसों तक ये बात छुपानी होगी। ठीक है, चलो फ्रेंड्स नीचे चलते, कुछ सोचते हैं। मैं आती हूँ। लेकिन हम उस डिलीवरी बॉय को ढूंढेंगे कैसे? ना हमें उसका नाम पता है और ना ही फोन नंबर। एक काम करते हैं, पोपट अंकल के पास चलते हैं। वो डिलीवरी बॉय को जानते हैं? अरे नहीं गोगी, वो एक जर्नलिस्ट है। हाँ, स्कैम का भांडा फोड़ना, स्टिंग ऑपरेशन करना और क्रिमिनल के बारे में पता करना, ये सब काम में पोपट अंकल माहिर है। राइट, पोपट अंकल की मदद से उस डिलीवरी बॉय को जल्दी पकड़ पाएंगे। दुनिया हिला दूंगा। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे दरवाजा टूट जाएगा भाई। अरे आ रहा हूँ। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? पोपट अंकल आपसे एक जरूरी काम है। जरूरी काम? ओ अच्छा, समझा। मेरी प्यारी टप्पूस है ना, आपने पोपट अंकल के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है, ये जरूरी काम था? नहीं नहीं पोपट अंकल, वो जरूरी काम नहीं है। तो मेरी शादी से ज्यादा जरूरी काम और गोकुलधाम में क्या हो सकता है? नहीं मतलब आपकी शादी जितना जरूरी काम नहीं है, उससे थोड़ा कम जरूरी है, लेकिन जरूरी है। अच्छा बोलो भाई, क्या जरूरी काम है? अरे आप लोग बैठो ना, खड़े क्यों हो? पोपट अंकल अभी बैठने का टाइम नहीं है, एक्चुअली एक डिलीवरी बॉय को पकड़ने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। क्या सुनूं बेटा, भाई इतने सालों में मैं अपने लिए एक सुकन्या नहीं ढूंढ पाया, तो डिलीवरी बॉय को कहां से ढूंढूंगा? अरे मजाक कर रहा हूँ, कौन डिलीवरी बॉय और आपको क्यों ढूंढना है? वो डिलीवरी बॉय ने आई के साथ ओटीपी स्कैम करके उनके बैंक अकाउंट से पूरे 80,000 रुपए निकाल लिए। क्या, कब हुआ ये? आज दोपहर में। वो ओटीपी आया हो, वो आप प्लीज मुझे दे दीजिए, वरना मेरी कंपनी वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये तो डिक्लाइन हो गया। माधवी जी, आपके अकाउंट में पैसे तो है ना? ओह, मुझ चुका है। हमारे 80,000 रुपए चले गए। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। आपको आपके पैसे अभी भी मिल सकते हैं। कैसे? आप जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के साइबर क्राइम यूनिट में कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। मुझे आपके केस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सोचिए कि आपके केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे उसको पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। पांडे अंकल ने बोला है कि वो स्कैमर को पकड़ लेंगे, लेकिन शायद उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ। और हमारे पास परसों 12 बजे तक का टाइम है। हाँ। बाबा को सच पता चले उससे पहले कुछ भी करके हमें उस डिलीवरी बॉय को पकड़ना है। हाँ। यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या चल रहा है। अरे मैं खुद ये ऑनलाइन स्कैम करने वालों के पीछे पड़ा, उन्हीं के ऊपर आर्टिकल लिख रहा। ये देखो, ये देखो। अरे हाँ राइट, हम लोग सही समय पे सही जगह आए हैं। अरे मैं इन स्कैमर्स की ना ईंट से ईंट बजा दूंगा। उनको पता नहीं है उन्होंने किससे पंगा लिया। इतनी हिम्मत, 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर क्राइम रिपोर्टर पत्रकार पोपटलाल की बहन के साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। मैं उस डिलीवरी बॉय को पकड़ के रहूंगा और माधवी भाभी के पैसे उन्हें वापस दिलवाऊंगा। थैंक यू पोपट अंकल, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। हाँ। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। यस, छोड़ेंगे नहीं उसे, दुनिया हिला देंगे उस डिलीवरी बॉय की। पोपट अंकल, उसकी दुनिया हिलाने के पहले उसे पकड़ना तो पड़ेगा ना। अरे हाँ हाँ, अब सोचना ये है ना कि उसे ढूंढे कैसे। अरे हाँ बच्चों, आप लोगों ने बताया था कि अब्दुल ने पुलिस स्टेशन में ये बोला था कि उसकी दुकान के सामने उस डिलीवरी बॉय की बाइक खराब हुई थी, बराबर? हाँ। तो फिर हमें वहीं से कोई सुराग मिले। चलो अब्दुल से बात करते। हाँ, चलो, 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 चलो। एक घंटे में सारा सामान पहुंच जाएगा। ओके, अब्दुल, तूने उस डिलीवरी बॉय को अपनी बाइक को धक्का मारते हुए किस तरफ जाते देखा था?
अरे इनकी तरफ क्या देख रहा है, मुझे पूरी कहानी पता है। हाँ अब्दुल भाई, पोपट अंकल हमें उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब बताता हूँ। सबसे पहले ये बता कि उसकी बाइक एग्जैक्टली किस जगह पर खराब हुई थी। हाँ, इस जगह पर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने किक मारी तो बाइक स्टार्ट हुई। बाइक स्टार्ट हो जाती तो धक्का मार के क्यों लेके जाता। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। अच्छा तू ये छोड़, ये बता कि धक्का मारते हुए अपने बाइक को किस तरफ ले गया। हाँ। ऐसे राइट में। पक्का? पक्का। मतलब वो पीजी रोड की तरफ गया। पीजी रोड। पोपट अंकल कहाँ जा रहे हो? सोच रहे सोच रहे। अच्छा। बच्चों, वो डिलीवरी बॉय अपनी बाइक को धक्का मारते हुए पीजी रोड पर गया है और इस एरिया से निकलने के लिए उसने पक्का जो पहला गैराज मिला होगा वहां पर अपनी बाइक को ठीक करवाया होगा। हाँ, पोपट अंकल उधर है एक गैराज। अच्छा तो सीधा वहीं चलते हैं। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। उसे ढूंढने में और कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलना। नहीं नहीं अब्दुल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर, पत्रकार पोपटलाल इस मिशन में इनके साथ है। चलो चलो बच्चों। एक मिनट एक मिनट, आप लोगों ने भिड़े भाई को बता दिया? नहीं नहीं, हमने बाबा को कुछ नहीं बताया है और प्लीज आप भी कुछ मत बताना। नहीं 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 बताऊंगा। वैसे भिड़े भाई ने चेन के बारे में पूछा नहीं? अभी फिलहाल बाहर टालने के लिए हमने उन्हें एक नकली सोने की चेन खरीद के दी है। क्या? हाँ, एक बार हम लोग वो डिलीवरी बॉय को पकड़ ले फिर उससे सारे पैसे वसूल करके सोनू के लिए असली वाली चेन खरीद लेंगे। फिर बाबा को हम सब सच सच भी बता देंगे। हाँ, तब तक के लिए आप किसी को कुछ मत बताना। हाँ अब्दुल, जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कानों कान किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। मतलब ये खबर खबर ही रहेगी, आप बेफिक्र रहिए, ये राज राज ही रहेगा। थैंक यू थैंक यू अब्दुल। चलो 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 चलो। या अल्लाह, इनकी मदद करना ताकि वो डिलीवरी बॉय जल्द से जल्द मिल जाए। वो देखिए पोपट अंकल, पूरा गैरेज। हमारे सोसाइटी से निकलते ना पहला गैरेज यही आता है। आई थिंक वो डिलीवरी बॉय अपनी बाइक रिपेयर करने यहीं आया होगा। हाँ। चलो जाके उससे पूछते हैं, शायद उससे हमें को ऐसी जानकारी मिले जिससे उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। हाँ, हाँ, चलो, 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 चलो। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ जी। आपसे कुछ जानकारी चाहिए। बोलिए ना भाई साहब। सुबह कोई डिलीवरी बॉय यहाँ पर आया था बाइक रिपेयर करवाने। अरे भाई साहब, बाइक मैकेनिक के पास लोग बाइक ठीक करवाने आएंगे ना, कोई हवाई जहाज थोड़ी ना ठीक करवाने आएंगे। और वैसे भी दिन भर में कितने लोग आते बाइक बनवाने, कस्टमर से ये थोड़ी ना पूछेंगे कि आप क्या काम करते हो। बराबर है अंकल, हमारे लिए उस डिलीवरी बॉय को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस डिलीवरी बॉय ने हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया है। अब प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना उन्हें ढूंढने में। पर वो दिखता क्या था? डिलीवरी बॉय जैसा? वो हमें नहीं पता है, हम उनका चेहरा नहीं देख पाए। उसकी बाइक का नंबर पता है? वो भी नहीं पता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन आया था लिपेल करवाने? एक मिनट, उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और येलो कलर का हेलमेट पहना था और मुंह पर मास्क था और उसकी बाइक बिगड़ी हुई थी तो धक्के मारते हुए आपके पास आया हो। याद आया, ऐसा आदमी आया था सुबह जिसने पीले कलर का हेलमेट और ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी।
मैं काम में बिजी था तो ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाया, और उसने पूरा टाइम शायद मास्क पहना हुआ था। तो जरूर ये वही डिलीवरी बॉय होगा। अच्छा भाई साहब, बाइक रिपेयर होने के बाद उसने आपको पेमेंट ऑनलाइन किया था, उससे ना उसका फोन नंबर पता चल सकता है। नहीं, उसने कैश दिया था। यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। पोपट अंकल, अब क्या करेंगे? अभी एक ही रास्ता बचा है। अगर यहाँ आसपास के किसी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा ना, तो उससे शायद हमें उसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। लगा एक सीसीटीवी कैमरा। कैमरा का एंगल भी इसी तरफ है। हाँ, तो पक्का हमें डिलीवरी बॉय की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। चलो भाई साहब, अभी आपका सीसीटीवी कैमरा देखना है। वो लगा है, देख लो। मतलब आपका सीसीटीवी कैमरा चलता है? मालूम नहीं, कभी रोड पर चला के नहीं देखा उसको। मेरा मतलब है सीसीटीवी कैमरा चालू है कि नहीं? हरकत से तो नहीं लगता कि चालू है, बेचारा पड़ा रहता अपनी जगह पर। अरे वो काम करता है कि नहीं सीसीटीवी कैमरा आपका, ये पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, काम करता है ना, सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया उसको। लेकिन काम क्या आपको सीसीटीवी कैमरे का? हमें फुटेज देखना है, प्लीज दिखा दो। सिर्फ दो तीन घंटे का ही देखना है। अरे क्यों दिखाओ भाई, शादी में आए हो क्या? ये शादी में मतलब क्या? शादी का नाम मतलब? शादी में सब क्या है? शादी शादी क्या? शादी क्या बोल रहे हो? शादी का नाम? अरे देखिए, मैं बहुत शांति से हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज पिछले दो तीन घंटे का सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। अरे क्यों दिखाऊं? ऐसा कोई भी आकर के बोलेगा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ तो दिखा दूंगा क्या? देखिए, आपको मालूम है मैं कौन हूँ? तुमको खुद नहीं पता तुम कौन हो? याददाश्त कमजोर है क्या तुम्हारी? मैं दो बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। तो पुलिस तो नहीं हो ना? अगर पुलिस होते तो एक बार दिखा भी देता। चलो अभी निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ओ भाई साहब, निकलो मतलब क्या? जबान संभाल के बात करो, निकलो निकलो क्या होता है? देखिए अंकल, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। आपकी सीसीटीवी फुटेज से किसी की हेल्प हो सकती है। अरे बोला ना कि मैं से किसी को भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ पुलिस और पुलिस को ही दिखाऊंगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, चलो निकलो अभी, मुझे मेरा काम करने दो। अंकल क्यों नहीं दिखा सकते? हम लोग यहाँ कब से प्यार प्यार से आपको बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन आपको प्यार की बचत पाला क्यों नहीं पड़ रही? सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी आपको नहीं, आपको हमें बोलना चाहिए। सॉरी सॉरी अंकल सॉरी। चलो सॉरी सुनो बेटा, चलो। दोस्तों, जैसे पुरानी कहानियों में जादूगर की जान या फिर उसकी शक्तियां तोते में कैद होती थी, ठीक वैसे ही उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने के सारे क्लू दुकान के उस सीसीटीवी कैमरा में बंद हैं। जी हाँ, ये फुटेज मिलने के बाद उस डिलीवरी बॉय को पकड़ना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन उस दुकानदार ने ये फुटेज देने से इनकार कर दिया है, ये बोलकर कि वो ये फुटेज पुलिस वालों को देगा। और पांडे जी तो बंदोबस्त में बिजी हैं। ये समझ लीजिए कि टप्पू सेना और पोपटलाल के लिए मंजिल सामने है, लेकिन रास्ता बंद है। अब टप्पू सेना और पोपटलाल को जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। बिना पुलिस के मदद के वो उस डिलीवरी बॉय तक कैसे पहुंचेंगे? अब
टप्पू सेना और पोपटलाल क्या चाल चलते हैं ये देखना तो बहुत ही रोमांचक होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.